हम व्यापारी जोड़ो अभियान शुरू करें, क्योंकि हर व्यापारी परेशान है। माननीय अध्यक्ष श्री शमीम खान सुल्तानी साहब, भाई सत्येंद्र जी, बहुत पुराना इनसे मेरा नाता रहा है। बल्कि जब मैं रोजगार हमारी जल्दी हुआ करती तब से हम जुड़े थे, और यहाँ पे सारे सम्मानित साथी आज मेरे साथ यहाँ आए हैं, सारे समर्थन और जिलाध्यक्ष व्यापार सभा भाटिया जी, हमारे मंडल अध्यक्ष व्यापार सभा श्री गौरव जयदवाल जी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आज व्यापारियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर लग जाएं आज ही से, और इनकी जो भी नीतियाँ गलत चल रही हैं सरकार की, उसका पुरजोर विरोध करें और जन जागरण के माध्यम से हर दुकान पे, हर शोरूम पे जाएं, छोटा व्यापारी हो या बड़ा, सब चाहता है, सबके दिल में दर्द है, उस दर्द को हमें बाहर निकालना है और सबको जोड़ते हुए चलना है, चाहे हमें वो साइकिल यात्रा के माध्यम से या पैदल यात्रा के माध्यम से, शहर और कैंट विधानसभा जो हमारे इसमें आती है, और जहाँ जहाँ जिलाध्यक्ष जी जिनका अपना अपना तहसील पे है, सब अपना ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें हम व्यापारी जोड़ो अभियान शुरू करें, क्योंकि हर व्यापारी परेशान है। आप किसी बड़े वाले को सोच रहे हैं कि शायद वो बहुत प्रसन्न है यहाँ की नीतियों से, गवर्नमेंट की, सब दुखी है, GST के ऐसे ऐसे प्रावधान है, स्लैब इतने ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कुछ लोग तो जो इस सरकार के फॉलोअर हैं, जो फॉलो करते हैं, उन्होंने तो माल को दबा के रख दिया है, और कौन दामों की चीज़ों को आज डेढ़ दुगने दामों पर बेच रहे हैं, तो हमें उनका पुरजोर विरोध करना है। ये चीज़ जो हो रही है वो गलत है, और व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी होता है समाज की, व्यापारी पर बहुत ताकत रखता है सरकार को गिराने की और सरकार को बनाने की, तो हम लोगों को अपनी ताकत को बना के निकलना है, सबको एकजुट होकर संकल्पित होकर आगे बढ़ना है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कराना है 2022 में, ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। धन्यवाद।